सियार एक लोमड़ी की तरह दिखने वाला जानवर है। सियार को गीदड़ भी कहा जाता है। ये भारत के जंगलों और गन्ने के खेतों में छिपकर रहने वाला मिडिल साइज का शिकारी जानवर है और ये सब कुछ खा सकता है, यानी हर सड़ी गली चीज। इसी कारण इन्हें जंगल की सफाई करने वाला जानवर भी मान लिया जाता है। वैसे तो एक वयस्क सियार का वजन करीब 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम तक होता है, पर ये अपने से कई गुना बड़े जानवर को भी अपनी खास तरह की हंटिंग स्किल से आसानी से मार सकते हैं। आइए आज आपको इस 10 किलोग्राम के जानवर की हंटिंग स्किल्स दिखाते हैं जो आपको चौंका देंगी। शुरुआत करते हैं जैकल किल्ड गजेल की इस वीडियो से। इस वीडियो में आप सियार की एक खास हंटिंग स्किल को देखेंगे। इस वीडियो में गजेल, जो कि एक तरह का बारह सींगा होता है, उसका शिकार करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि गजेल काफी लंबी दूरी तक भागते हुए भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रख सकता है, लेकिन फिर भी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले सियार से हार जाता है। आखिर कैसे, चलिए देखते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दो सियार एक गजेल का पीछा कर रहे हैं। अभी गजेल कुछ दूर तक ही भाग पाया होता है कि तभी अचानक से एक सियार आगे बढ़कर उसके पैर को काट लेता है, जिससे गजेल तेजी से भाग नहीं पाता और फिर ये दोनों तरफ से इसे घेर लेते हैं और लगातार काटने लगते हैं, जिसके कारण गजेल जमीन पर गिर जाता है और फिर ये दोनों सियार मिलकर इस गजेल के पिछले दोनों पैरों और बाकी शरीर को भी काटने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी गजेल अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन की हार होती है और दोनों सियार मिलकर इसके शरीर के एक एक मांस के टुकड़े को खा जाते हैं और अंत में बस इसकी बस्ती हैं हड्डियां। नंबर 2, जैकल किल्ड स्टॉर्क। सियार इतना शातिर जानवर होता है कि ये सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों का शिकार नहीं करता, बल्कि ये सारस जैसे बड़े पक्षियों का भी शिकार करते हैं। जब कोई सारस नदी के किनारे पर पानी पीने या मछली पकड़ने के लिए उतरता है तो सियार अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसे गर्दन से दबोच लेता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि सियार ने इस सारस की गर्दन दबोच रखी है। बेचारा सारस उड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सियार के मजबूत जबड़ों से अपनी गर्दन को छुड़ा पाना सारस के लिए मुमकिन है। अंत में गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से सारस जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद सियार इसे घसीट कर पानी से दूर ले आता है और सारस के जिंदा रहते ही उसे नोच कर खाने लग जाता है। नंबर 3, जैकल किल्ड बेबी इंपाला। सियार जब एडल्ट गजेल का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं तो उनके लिए बेबी इंपाला का शिकार करना कौन सी बड़ी बात है। हमारे इस क्लिप में 3 सियार एक बेबी इंपाला का शिकार कर रहे होते हैं, जिसमें से एक सियार बेबी इंपाला का पीछा कर रहा होता है और बाकी दोनों उसे दूसरी तरफ से घेरे रहते हैं। बेचारा बेबी इंपाला अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है, लेकिन हर तरफ से घेर लिए जाने की वजह से भाग नहीं पाता और इन सियारों का खाना बन जाता है। इसे खाने के बाद ये सियार मिलकर पक्षियों का भी शिकार करते हैं। नंबर 4, जैकल किल्ड गजेल। हमारी अगली क्लिप भी गजेल की है। इस क्लिप में गजेल ना जाने कैसे चारों तरफ से सियारों से घिर जाता है। गजेल अभी भाग भी नहीं पाता कि अचानक से एक सियार इस पर झपट्टा मारता है और इसे गर्दन से दबोच लेता है और इसे मुंह में दबाए हुए ही दूसरे सियारों से दूर लेकर भागने लगता है। बेचारा गजेल काफी ज्यादा झटपटाता है और अपनी जान बचाने के लिए अपने पैरों को चलाता है, लेकिन सियार ने भी उसकी गर्दन काफी मजबूती से पकड़ी होती है, जिसके कारण गजेल का हाथ पैर मारना बेकार हो जाता है। काफी देर तक गजेल की गर्दन को अपने मुंह में ऐसे ही दबाए रखने के बाद जब उसकी जान चली जाती है तो सियार उसे खाना शुरू करता है, लेकिन बेचारे सियार की इतनी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि गजेल को खाने के लिए और भी कई सारे सियार वहाँ आ जाते हैं और छीना झपटी करने लगते हैं। सियार इनसे अपना खाना बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और अंत में उसे अपना खाना सबके साथ मिल बांट कर खाना ही पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वाइल्ड लाइफ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।